नमः शिवाय। आज जन्मे जातक सुंदर और आकर्षक छवि वाले होते हैं। कृतिका नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी सूर्य होने के कारण अनुशासनशील, तेजस्वी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। इनका भाग्योदय अक्सर जन्म स्थान से दूर जाकर होता है। इनके माता पिता अपने आप को थोड़ा चिंतित, भ्रमित और परेशान महसूस करते हैं। आज आपके अंदर तेजस्विता और सक्रियता दोनों बरकरार रहेगी। हर काम उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। पारिवारिक खुशी महसूस होगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल चलेगा। सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। शाम तक किसी उत्सव में शामिल होने का योग है। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। परिवार और रिश्तेदारों पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। व्यावसायिक और आर्थिक सहयोग बना हुआ है। राजकीय मामलों में या कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। संतान के प्रति चिंता बनी हुई है, मगर प्रयास सार्थक होंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आपके तर्क की ओजस्विता सामने वाले को पराजित महसूस कराती है। ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाला अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करे। वाणी के मिठास से संबंधों में मधुरता कायम रहेगी। समय आपके पक्ष में है। आपके सार्थक प्रयास आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएंगे। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। अपनी सक्रियता को बरकरार रखते हुए आर्थिक उन्नति के नए मार्ग का सृजन करें। हर क्षेत्र से सहयोग के मार्ग खुले हुए हैं। अभीष्ट फल की प्राप्ति आपकी सक्रियता के दर पर निर्भर करती है। पूरे मनोयोग से लगे रहें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन सबसे अलग अपने और पत्नी के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज आपका ऊर्जा स्तर अपने आप में बढ़ा हुआ रहेगा। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, इसलिए आपको हर काम में सहूलियत महसूस होगी। पारिवारिक सौहार्द की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य है। मित्र बंधुओं के सहयोग से आपकी सक्रियता और बढ़ेगी। न्यायालय संबंधी मामले में अनुकूलता बनी हुई है। आज देव दर्शन के योग बनते हैं। हनुमान जी की आराधना करें और ओम घृढ़ सूर्याय नमः का मानसिक जप करें। आज का समय आर्थिक, व्यावसायिक और शारीरिक रूप से आपके लिए अनुकूल है। पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता बनी रहेगी। मौका मिले तो किसी बुजुर्ग की सेवा या सहायता करें। सृजनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। गाय को हरा चारा खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करें। आपके मन में दो तरह के विचार आने से मन में अंतर्द्वंद चलता रहेगा। मन की तार्किक क्षमता को दिल से नहीं दिमाग से विश्लेषित करें और प्रयास को कार्य रूप में परिवर्तित करें। मित्रों और बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कुछ व्यावसायिक उलझन दिमाग में बनी रहेगी जो कि शाम तक हल हो सकती है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। अनुकूलता बनी रहेगी। आज चंद्रमा आपके छठवें चल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य की अनुकूलता तो बनी हुई है, मगर मानसिक रूप से मन खिन्न रहेगा। विशेष रूप से परिवार के उत्तरदायित्व के प्रति मन चिंतित रहेगा। अपने प्रयास को जारी रखें। मन में नकारात्मक भावना न पैदा होने दें। आपके प्रयास सार्थक होंगे।
गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। हनुमान जी की आराधना और केले के पौधे में रोज जल अर्पित करते रहें। मन में उठने वाले सृजनात्मक विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करते जाएं। समय आपका साथ दे रहा है। मन की दुश्चिंताओं को किनारे रख करते हुए अपनी सक्रियता को बरकरार रखें। फालतू वाद विवाद या अनावश्यक समय को खराब ना करें। अनुकूलता का द्वार चारों तरफ से खुला हुआ है। अपने दिमाग में विश्लेषण करते हुए सार्थक चीजों पर पहल करें, सफलता मिलेगी। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालते रहें। आपके मन में कई तरीके के विचार एक साथ पैदा होंगे, जिसमें निर्णय लेने में आपको परेशानी महसूस होगी, क्योंकि सूर्य केतु शुक्र एक साथ आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, जो मन की एकाग्रता को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी हैं। अपने मन में विश्लेषण करके सही निर्णय को कार्यान्वित करें, सफलता मिलेगी। राजकीय विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। अपनी कार्य क्षमता पर संदेह ना करें, सफल रहेंगे। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अधिकारी वर्ग, शासन सत्ता व न्यायालय संबंधी कामों में अनुकूलता बनी हुई है। अपनी सक्रियता और कार्य क्षमता को बढ़ाएं, सारे काम अनुकूल होंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। अपने मन में भ्रमात्मक अंतर्द्वंद ना लाएं, सफल रहेंगे। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। कई तरह के विचारों में भ्रम की स्थिति ना पालें। राहु आपके पांचवें घर में चल रहे हैं, जो कि आपकी कार्य क्षमता को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। हालांकि भाग्य साथ देने के लिए तैयार है, अपने प्रयास के प्रति मन में दुविधा ना लाएं, प्रयास सार्थक होंगे। पहला कदम आपको ही उठाना होगा। आर्थिक और व्यावसायिक अनुकूलता बनी हुई है। केले के पौधे में रोज जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतय नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।